हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम हियर। आज आपको चैप्टर फोर, आपका क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री का जो चैप्टर फोर है, विचारक विश्वास और इमारतें, थिंकर्स बिलीव है बिल्डिंग्स, चैप्टर फोर आपका ये है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आपको हम बताने जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ये सिर्फ क्लास ट्वेल्थ के लिए ही नहीं है, बल्कि आपके जो फर्दर आप एंट्रेंस एग्जाम्स देंगे या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देंगे उसके लिए भी आपको लाभ मिलेगा इसका। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की जानकारी देने वाली प्रसिद्ध इमारतों के नाम बताइए। बौद्ध धर्म की जानकारी देने वाली प्रसिद्ध इमारत में एक आपकी जो बुक में दे रखा है, वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर एक सांची का स्तूप दिया हुआ है, यह आपको बौद्ध धर्म की जानकारी देती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नुकीली कुटागार शाला से क्या अभिप्राय है। कुटागार शाला एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो ये कुटागार शाला क्या था? नुकीली छत वाली झोपड़ी, जहाँ पर जो बौद्ध मॉन्क्स होते थे, भिक्षु होते थे, ये लोग आते थे और डिस्कशन और डिबेट भी यहाँ पर होते थे। ओके, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सुल्तान जहां सांची के स्तूप को संरक्षण प्रदान करने वाली दो बेगमें, आपने करा था भोपाल की दो बेगमों ने सांची के स्तूप को संरक्षण प्रदान किया, उन्होंने अतिथिशाला बनवाई और जो स्तूप था इसकी रेप्लिकास तैयार प्रतिकृतियां तैयार करवाई थी। तो ये दो नाम जो आपके बेगमों के वो थे आपके सुल्तान जहां बेगम और दूसरी आपकी थी शाहजहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम ये भोपाल की बेगमें थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, त्रिपिटक से क्या अभिप्राय है। त्रिपिटक, त्री का मतलब होता है थ्री, पिटक इज बास्केट, थ्री बास्केट, ये तीन टोकरियों के लिए इस्तेमाल किया गया है। वास्तव में त्रिपिटक क्या था? आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधर्म पिटक, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसी के लिए आपका त्रिपिटक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। फिर अगला प्रश्न भी इसी से आपका संबंधित है, सिद्धार्थ किस कुल के थे, के पिता या वो खुद किस कुल के थे, शाक्य कुल के थे, सिद्धार्थ शाक्य कुल के थे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। यह आपको पता है बोध गया, बोध गया जो कि बिहार में है, यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, और इस उपदेश की घटना को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। आपका एक प्रश्न ये भी है कि इस घटना को किस नाम से जानते हैं, वो आपका है धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं। ग्रह त्याग की जो घटना थी बुद्ध की, जब वो घर से निकल के गए थे, इस घटना को हम कहते हैं महा अभिनिष्क्रमण, महा अभिनिष्क्रमण, यानी कि निष्क्रमण निकल गए थे। ठीक है, बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को महा अभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। फिर आपका प्रथम उपदेश आपको हमने बताया कि प्रथम उपदेश को हम किस नाम से जानते हैं, जो उपदेश उन्होंने दिया था इसको हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो सारनाथ में दिए गए उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, ग्रह त्याग की घटना को हम महा अभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? ज्यादातर बौद्ध ग्रंथ आपके सब पाली भाषा में ही लिखे गए। सांची की खोज कब हुई? जो सांची का स्तूप आपका है भोपाल में है, या आपका मध्य प्रदेश, या आपका इसकी जो खोज थी वो 1818 में हुई थी। बौद्ध चिंतन की नई परंपरा को किस नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म आपको मालूम है कि आगे बट गया था, तो इसमें एक नई परंपरा भी आ गई थी जिसे हम कहते महायान। बौद्ध धर्म आपका हीन यान और महायान में बट गया, हालांकि बाद में वज्रयान भी इसमें आया था, जिसमें टोने टोटके वगैरह में विश्वास करते थे। तो आपका जो लास्ट प्रश्न है, बौद्ध चिंतन की नई परंपरा को किस नाम से जानते थे? महायान। ठीक है, तो बौद्ध धर्म आपको हीनयान और महायान में बट गया था, बाद में इसमें वज्रयान भी जुड़ जाता है, लेकिन उसका बहुत डिटेल आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। तो आज के लिए आपका फर्स्ट पार्ट के लिए इतने क्वेश्चंस काफी है, आपके आगे भी दो पार्ट हम जल्दी आपको अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। ओके।